हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त, बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कास। तो गाइज, हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज, आज की तारीख को पबजी का जो 1.1 का अपडेट है वो आने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग अपने पबजी के ग्लोबल वर्ज़न को अपडेट करना चाहते हो या फिर KR वर्ज़न को भी अपडेट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, ठीक है? पूरा लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को चार ऐप देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? एप्टॉइड, टैप टैप, APK प्यूरी और यहाँ पे अप टू डाउन ऐप स्टोर, ठीक है? तो गाइज, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि चारों ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है विदाउट बाईपास, ठीक है? आप लोग जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। कोई कैप्चा कोड सॉल्व करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं। चार में से जो भी आपके लिए कम्फर्टेबल हो उसमें से आप लोगों को कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल APK प्योरी का दिखाती हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग ऐप को जैसे ही खोलोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आप लोगों के फ़ोन में पबजी का KR वर्ज़न भी होगा और ग्लोबल वर्ज़न भी होगा, ठीक है? तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि ग्लोबल वर्ज़न वही लोग अपडेट करना जिसके फ़ोन में अभी भी ग्लोबल वर्ज़न खेला जा रहा है, ठीक है? क्योंकि गाइज, अगर फ़ोन में खेल ही नहीं पाते फिर भी आप लोग अपडेट करके खेलने जाओगे VPN लगा के, ये करके, वो करके, तो आपकी ID बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फिर भी अगर आप लोगों को बहुत चुल मच रही है और आपको लगता है कि नहीं, ग्लोबल वर्ज़न अपडेट करना ही है और KR वर्ज़न भी अपडेट करना है, तो दोनों मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोग कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मी करके ऑप्शन है, ठीक है? तो APK प्योर में आप लोग जाओगे और मी के अंदर जाओगे तो मी में आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ऐप मैनेजमेंट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सारे ऐप दिखाएंगे जो आपके फ़ोन के अंदर होंगे, उसमें आप लोगों को इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। अब इंस्टॉल के अंदर जैसे ही आप लोग जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपने पबजी मोबाइल को यहाँ पर ढूंढ लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पबजी मोबाइल मेरे फ़ोन में पहले से है, इसलिए यहाँ पे मुझे दिखा रहे पबजी मोबाइल। तो जैसे ही आपको अपना पबजी मोबाइल मिल जाता है उस पर सिंपली आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अब जिस जिस के फ़ोन में यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आता है वो सिंपली अपडेट कर लो, और अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं आता तो गाइज शाम तक, ठीक है, धीरे धीरे अपडेट आता है सबके अंदर, तो शाम तक आप लोग चेकआउट करते रहना, अपडेट ज़रूर से आ जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं मिलता तो नीचे आप लोग देखिए वर्ज़न हिस्ट्री करके है, तो वर्ज़न हिस्ट्री के अंदर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे सारे वर्ज़न दिखाएंगे, ठीक है? पबजी मोबाइल की जितने भी अपडेट है ना वो सारे वर्ज़न यहाँ पे दिखाएंगे, और कौन से डेट को कौन सा वर्ज़न अपडेट किया है वो भी दिखाएंगे। तो सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे आप लोग देखोगे तो 1.1 का अपडेट गाइज आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। नीचे डेट भी लिखी है 10 नवंबर 2020, मतलब आज के दिन अभी अभी जस्ट यहाँ पे मेरा अपडेट आया है। तो आपको भी ऐसे 1.1.0 का अपडेट देखने को मिले तो वहाँ से सिंपली आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? चार ऐप मैंने बताए, चारों ऐप में आप लोगों को यही प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन सिंपली APK प्योर पे मैं आपको बताऊँ तो अभी अभी अपडेट आया है, मैंने सोचा लाइव प्रूफ के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो APK प्योर में आप लोगों को जो प्रोसेस मैंने बताई सेम फॉलो करके आप लोगों को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, और सेम प्रोसेस आपको KR वर्ज़न के लिए भी फॉलो करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे जो आपकी अलग अलग ऐप है उसमें APK एक्स APK करके आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इसके अंदर आप लोग जाओगे ना तो यहाँ पे आपको KR वर्ज़न देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये देखिए पबजी का KR वर्ज़न है। तो KR वर्ज़न आप लोग जैसे ही खोलोगे तो सेम प्रोसेस, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि अभी KR वर्ज़न के अंदर अपडेट नहीं आया, ठीक है? मेरे फ़ोन में नहीं आया, जिस जिस के फ़ोन में अपडेट आएगा तो सिंपली अपडेट का ऑप्शन होगा वही से आप लोग अपडेट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे अपडेट नहीं दिखता तो एक बार आप लोग वर्ज़न हिस्ट्री में जाके चेकआउट करना, जैसे मैंने पबजी मोबाइल के लिए बताया। वर्ज़न हिस्ट्री में सिंपली जाओ और इसके अंदर यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देखना 1.1.0 का आपको अपडेट देखने को मिले डेट के साथ 10 तारीख को, तो उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो सेम प्रोसेस आप लोगों को पबजी ग्लोबल वर्ज़न के लिए भी करनी है और सेम प्रोसेस आपको पबजी मोबाइल KR वर्ज़न के लिए भी करनी है। तो चलिए, आई होप आप लोग दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे के बाकी के जितने भी ऐप है ना, टैप टैप है, एप्टॉइड है, अप टू डाउन,
चारों ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके लिए जो कंफर्टेबल हो उसको करिए, और जो सेम प्रोसेस एपीके प्योर में बताई वही सब में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चले गाइज, आई होप आप लोगों के लिए मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।